इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने धर्म और अध्यात्म के तहत। इस समय हमारा कारवां पहुँच चुका है दत्तात्रेय तपोस्थली आजमगढ़ जिले में, जो आजमगढ़ जिले से 15 किलोमीटर पे दूर है और यह तमसा और कुवन नदी के संगम पे हम इस समय खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे दत्तात्रेय महादेव जी का स्थान है, मंदिर है, और इसी जगह ऋषि दत्तात्रेय जी अपना तपस्या किए थे और इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और अपने सहयोगी से हम चाहेंगे कि हमारे साथ थोड़ा यह जिस संगम पे हम लोग खड़े हैं तमसा और कुवर नदी के संगम पे, थोड़ा उसके भी सीन को दिखाएं जिससे CIB इंडिया न्यूज के दर्शक देख सकें, जो हमारे दर्शक देश विदेश में बैठे हैं, अन्य जिलों में हैं, अन्य राज्यों में हैं, वह भी इस तपोस्थली के बारे में जान सकें। आजमगढ़ की धरती पे हम इस समय हैं और आजमगढ़ धरती पे तमाम ऋषियों की तपोस्थली है और इनके बारे में हम यहाँ के कुछ विद्वानों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको भी जानने का प्रयास करेंगे कि दत्तात्रेय की तपोस्थली का क्या महत्व है, और हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के एक विद्वान जी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि दत्तात्रेय ऋषि जी के बारे में बताएं, जो हमारे देश विदेश में दर्शक बैठे हैं उनके बारे में जान सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका CIB इंडिया न्यूज पर। महाराज जी, ये बताइए जो ये दत्तात्रेय आश्रम है, दत्तात्रेय तपोस्थली, इसके बारे में क्या वर्णन है? भगवान दत्तात्रेय सती अनुसुईया के पुत्र हैं और वह जो है यहाँ पर संग कुंवर और तमसा के संगम पर पातालेश्वर महादेव के सन्निधि में कई हजारों वर्षों तक तपस्या उन्होंने किया, घनघोर तपस्या किया, और तपस्या के फलस्वरूप यह स्थान पर जागृति आई है और तब से इस स्थान का बहुत महत्व बढ़ा और चढ़ा है और तभी से यहाँ पर पूजा पाठ व्यवस्था यह चल रही है। अच्छा, प्रमाण मिलता है वेदों में कि दत्तात्रेय भगवान विष्णु जी के अवतार थे? अठारहों पुराण में मिलता है और वेदों में भी मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है, सब जगह प्रमाण आप पाएंगे। यह जो है परम पवित्र पुण्य पावन स्थल पर यह मंदिर जो है पातालपुरी भगवान का यह जो है टिका हुआ है और यह पातालपुरी महादेव जो है स्वयं प्रकट हुए हैं। ये स्वयंभू 12 स्वयंभू लिंगों के बाद इनका स्थान आता है। जो यह महादेव स्वयं प्रकट हुए पातालपुरी हैं, तो दत्तात्रेय ऋषि जब यहाँ पे तपस्या कर रहे थे उससे पहले का यह मंदिर होगा? इतने ही नीचे आप इनका रिसर्च करेंगे, वैज्ञानिकों के द्वारा इनका रिसर्च हुआ है, या जितने ही नीचे आप इनको देखेंगे उतने ही मोटाई की संख्या में ये जाते जाते और पातालपुरी तक पहुंच गए, इसीलिए इनका नाम पातालपुरी महादेव रखा गया। जो ऋषि दत्तात्रेय जी थे उनके यहाँ पे तपस्या करने के पहले से यह स्थित है? पहले से हैं यहाँ पर, ये पातालपुरी महादेव जी पहले से हैं, उन्होंने यह स्थान बहुत अच्छा रमणीक देख कर करके और तब यहाँ पर उन्होंने अपना तपस्या आरंभ किया। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि यह भगवान पातालपुरी अपने से निकले हुए हैं और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि बहुत नीचे तक गए, तो इनका पता नहीं चला कितने नीचे तक है? जैसे पूरे विश्व में जो है द्वादश यानी 12 स्थान शंकर जी का स्वयंभू लिंग जिनको कहते हैं, और स्वयंभू लिंग के बाद 1000 से ऊपर उपलिंग हैं जिसमें यह पातालपुरी दत्तात्रेय महादेव आते हैं। मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि जो यह नीचे तक भगवान जी गए हैं इनका वो नहीं मिला कि कहाँ तक है? कहाँ तक है इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया? वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, इनका दत्तात्रेय और दुर्वासा और शीलनी तीनों जगह का रिसर्च है और यहाँ का रिसर्च सबसे अच्छा और परिपूर्ण निकला। अपने आजमगढ़ जिले में कितने ऋषि आश्रम, कितने तपोस्थली है? अपने आजमगढ़ जिले में यूँ तो स्थान कई हैं, जैसे दत्तात्रेय स्थान और दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि का स्थान शिरनी, और यह तीनों स्थान
नदियों के संगम पर ही टिका हुआ है। दुर्वासा जो है वह तमसा और मझुई के संगम पर है और दत्तात्रेय तमसा और कुंवर के संगम पर है और सिलनी जो ब्रह्मा का स्थान है वह सिलनी सिलवंती और तमसा के संगम पर है। तो तीनों स्थान ये है। इसके आगे जो है बाबा भ्रमरनाथ का स्थान पड़ता है, वो भी अच्छे उपलिंग में आते हैं महादेव। और यह जो है ये भैरव जी का स्थान जो है और पुराणों में वर्णन आया है कि यहाँ पर महाराज दक्ष जी ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ के कुंड में सती जी जो है अपने शरीर को त्याग किया है। ये सब ऐसा प्रमाण पुराणों में मिलता है। अच्छा, जो हम जहाँ हम लोग खड़े हैं दत्तात्रेय तपोस्थली पे, तो इतना कई ऋषि आजमगढ़ में कि तपोस्थली पे ऋषि तपोस्थली पे इन्होंने तपस्या की, तो इसको ऋषि भूमि आजमगढ़ भी कहा जा सकता है? कहा जा सकता है क्योंकि ये तपस्थली तपोभूमि है ही आजमगढ़। इसका आजमगढ़ जिला का नाम ये अपभ्रंश है। इसका शुद्ध नाम जो है जो तद्भव तत्सम से होता है इसका शुद्ध नाम आर्यमगढ़ है। आर्यमगढ़ न कह के आर्यमगढ़ इसको लिखा जाए। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम व्यास पंडित कमलेश्वर पाठक। आप पाठक जी आजमगढ़ के ही निवासी हैं? हाँ, हम आजमगढ़ के निवासी हैं और यज्ञ यज्ञ आदि कार्यक्रम करना कथा वाचक कहना ये हमारा। हाँ, आप ये बताइए दत्तात्रेय तपोस्थली जहाँ हम लोग खड़ा हैं, ऋषि जी ने यहाँ तपस्या किया था, उनका क्या वर्णन है और क्या व्यवस्था है यहाँ पूजा पाठ करने से, क्या लोगों को फल मिलता है? अब जैसे हमारे धर्मशास्त्रों ने उल्लेख किया है कि जैसे तपस्या पूजा पाठ कोई किया जाए गौशाला में तो 10 गुना उसका फल है और वह तालाब के किनारे किया जाए तो 100 गुना है और नदी के किनारे किया जाए तो 1000 गुना है। दत्तात्रेय जी की बात हो रही है, उसके आगे बता रहे हैं। और इसके बाद अगर वह कहीं किसी जो है प्रामाणिक स्वयंभू लिंग उपलिंग पर किया जाए, उस स्थान उस क्षेत्र में किया जाए तो अनंता शिव सन्निधौ उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसीलिए जो है इस दत्तात्रेय का जो है इतना बढ़ा चढ़ा स्थान है और होना चाहिए। जय दत्तात्रेय जी कौन थे, कैसे क्या हुआ, उनके बारे में बताइए। ये दत्तात्रेय भगवान जो है यह अत्रि महाराज की जो स्त्री थी सती शिरोमण अनुसुईया माँ, उन्हीं के इनको सती अनुसुईया कहा जाता है। सती अनुसुईया उनके ये पुत्र रहे और ये भगवान विष्णु के अवतार से भगवान विष्णु के अवतार हैं, अंश से नहीं अवतार हैं, स्वयं अवतार हैं। क्योंकि सती अनुसुईया मैया के गर्भ से यह लोग जो है दुर्वा शंकर जी के जो है अवतार दुर्वासा हैं और विष्णु के अवतार दत्तात्रेय हैं और ब्रह्मा के अवतार चंद्रमा ऋषि के वहाँ पर जो इसके आगे मंदिर है। तो यह सती अनुसुईया माँ के गर्भ से लोग उत्पन्न हुए और उन्हीं के ये लोग औरस पुत्र हैं। और दत्तात्रेय जी की यह तपोस्थली भूमि रही, तो तपस्या उन्होंने क्यों किया? हाँ, तपस्या उन्होंने किया, वो लोग भगवत परायण थे क्योंकि तपस्या करने के ही लिए वह लोग अवतार लिए और भगवान दत्तात्रेय जो है यहाँ तपस्या किए, बद्रिका आश्रम तपस्या किए, मार्कंडेय धाम में तपस्या किए और 1000 धारा में जहाँ नर्मदा बही हैं वहाँ पर इन्होंने बहुत कई हजार वर्षों तक तपस्या किया, जो महिष्मती नगरी के नाम से आज भी पुराणों में शास्त्रों में वेदों में सब उसका उल्लेख है। आज जहाँ पर 1000 धारा में नर्मदा जी बह रही हैं, जिनको देखना हो जाकर स्वयं दर्शन करें, वहाँ आज कम से कम 10 करोड़ रुपए की लागत से भगवान दत्तात्रेय का स्थान बना। तो ये जहाँ जहाँ इन्होंने तपस्या किया वहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण हुआ, धर्मशाला बनी, सारी व्यवस्था जो है वहाँ पर लोगों ने निर्माण कर दिया। सरकार के द्वारा कुछ जो है पर्यटक केंद्र बनाने के लिए जो है अनुदान या व्यवस्था जो थी वह मिला था। जो व्यवस्था होनी चाहिए तपोस्थली भूमि पर्यटक विभाग के द्वारा, वह आपको देखने से यहाँ पे लगती नहीं है? अभी बिल्कुल नहीं है। जैसे एक तपस्थली पर जितना जो है सुविधा होनी चाहिए यात्रियों के लिए होना चाहिए, पंडित और साधु संत महात्माओं के लिए होना चाहिए, अन्य क्षेत्र होना चाहिए और सारी व्यवस्था समुचित रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, अभी वह सब व्यवस्था एक भी यहाँ नहीं है।
या कुछ भी नहीं, केवल पर्यटक केंद्र के नाम से कार्यक्रम हो रहा है, बन रहा है, वो सब भी अभी अधूरे में चल रहा है। कोई पूर्णता तो है नहीं, कोई पूर्णता अभी तक नहीं हुई। और स्थान देखे रहे आप, देख करके ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह स्थान कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, कैसा है और कैसा आगे आने वाले समय में रहेगा, है कि नहीं। यह वर्णनातीत स्थान है, भूतो न वा भविष्यति। हाँ, इसका इतना बड़ा महत्व है और इसका इतनी बड़ी देखे प्राकृतिक छटा इसकी कितनी अच्छी है, वर्णनातीत है, कोई वर्णन नहीं कर पाएगा कि हाँ देखिए जंगल, झाड़ी, नदी, जल, सारी व्यवस्था देखने से ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर यह परम पवित्र पुण्य पावन तपस्थली है और यहाँ पर ऋषि महर्षियों ने बहुत ही घनघोर तपस्या किया। अच्छा, हम अब चाहेंगे कि जो यहाँ भगवान पतालपुरी जी का मंदिर है उसका भी हम अपने CIB इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को दर्शन कराएं। चलिए महाराज जी, देखिए यही भगवान शिवलिंग निकला हुआ अपने से, जिनको पतालपुरी करते हैं, इस शिवलिंग की पूजा पाठ दत्तात्रेय ऋषि जी भी किया करते थे और महाराज जी कुछ भगवान के बारे में बताएंगे। हाँ, ये पातालपुरी पातालेश्वर जो दत्तात्रेय भगवान हैं, ये पातालपुरी महादेव जो हैं, यह स्वयंभू लिंग के समान हैं और यह इनका जो आकार है, रूप है, व्यवस्था है, वह ठीक महाकालेश्वर उज्जैन में जो महाकालेश्वर भगवान हैं वह उनसे मिलती जुलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है न कोई व्यवस्था, जो देखे हैं, जो वहाँ देखे होंगे वह यहाँ यही कहेंगे कि ठीक यह महाकालेश्वर भगवान का साक्षात प्रतीक है महाशिवलिंग। आपने देखा, हमारे सहयोगी ने पतालपुरी शिव जी को दिखाया जहाँ पे दत्तात्रेय जी ने इनकी पूजा पाठ लगातार किया, तपस्या किया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।